ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना, पंजाब से आते हैं, राज्यसभा हैं, लोकसभा भी लड़े हुए हैं और जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर और पंजाब में। सर, पहले तो पंजाब से पूछूंगा, पंजाब से राज्यसभा में MP हैं, लोकसभा भी लड़े हैं, क्या देख रहे हैं? माना जा रहा है सर नेक टू नेक लड़ाई वहाँ कांग्रेस और BJP के बीच में हो रही है। इस बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 10 सीटें अकाली दल और 3 सीटें हम लड़ते हैं। 13 की 13 सीटों में हमारे पास एक बहुत मजबूत गठबंधन है। उसके बाद एक जो देश भर में एक फैक्टर, जो पॉजिटिव फैक्टर हमें नज़र आ रहा है, वो है श्री नरेंद्र भाई मोदी की लहर। पंजाब में भी उसका बहुत बड़ा असर है। सो मुझे लगता है कि हम इस बार बड़े कंफर्टेबल ढंग से पंजाब से भी अपना योगदान नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को डालेंगे। सर, एंटी इनकमबेंसी कोई फैक्टर नहीं रहेगा? सरकार आपकी है, पिछले काफ़ी टाइम से, पिछली बार भी था, फिर विधानसभा चुनाव हुए, BJP अकाली आए, एंटी इनकमबेंसी कोई काम कर रही है? और क्या कुछ मुद्दे पंजाब के लोकसभा चुनाव में रहे? आपकी बात ठीक है कि लगातार 2 बार सरकार बनने के कारण कहीं ना कहीं एंटी इनकमबेंसी फैक्टर जो है वो काम जरूर करता है, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ का वोटर बड़ा जागरूक है, उसने केंद्र सरकार को बनाने के लिए वोट डाला है। सो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगर कुछ था तो उसका असर लोकसभा पे होगा, ऐसा हमें कोई देखने को नहीं मिला। कि जिस ढंग से श्री अटल बिहारी वाजपेयी पंजाब के लिए सोचते थे, पंजाब के लिए काम करते थे, और जो संबंध सरदार प्रकाश सिंह बादल और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के थे, वैसे ही संबंध जो हैं वो नरेंद्र मोदी और बादल साहब के रहेंगे, उसका एक बहुत बड़ा मैसेज पंजाब में गया। सीटें मांग के चल रहे हैं जो अकाली और BJP गठबंधन है, और अमृतसर सीट पर बहुत बड़ी फाइट मानी जाए अमरिंदर सिंह और अरुण जेटली के बीच, वहाँ पे किस तरह का मुकाबला देखते हैं आप? अमृतसर सीट जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे सबसे बड़े कदवर नेता श्री अरुण जेटली जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और लोगों को मालूम है कि अगर अरुण जेटली चुनाव जीतते हैं तो उसका सीधा मतलब अमृतसर और पंजाब को बहुत बड़ा लाभ होना। एक इतना बड़ा नेता पंजाब को मिलेगा, ये कार्यकर्ताओं के मन में भी थी और लोगों के मन में थी, तो अरुण जेटली जी वहाँ पर बड़े कंफर्टेबली जीतेंगे। कितने सीटें लेंगे? मैं 10+ सोचता हूँ, 10 से ज़्यादा सीटें वहाँ पर आएंगी। सर, जम्मू कश्मीर से सवाल लूँगा, आप प्रभारी हैं, कितनी सीटें वहाँ पर मान के चल रहे हैं? क्योंकि आपकी सरकार भी वहाँ नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वहाँ पर चल रही है, वो तो लगातार मोदी जी पे हमला कर रहे हैं। एक बयान भी दिया था फारूक अब्दुल्ला ने कि जो मोदी जी को वोट देते हैं उन्हें देश से बाहर कर देना चाहिए, इस तरह का बयान आया था। कितनी सीटें आप जम्मू कश्मीर में मान के चल रहे हैं? जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 2 सीटें जम्मू प्रोविंस में हैं, 1 लेह में हैं, और 3 सीटें जो हैं वो वैली में हैं, श्रीनगर जिसको हम बोलते हैं। जो जम्मू में हैं उसको जम्मू, पुंछ और उधमपुर, कठुआ, ये सीटों का नाम है। ऐसे ले की सीट है और अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर की सीट है। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से 3 सीटें जीतेगी। ये थे हमारे साथ अविनाश जी, जो बता रहे हैं कि देखिए BJP इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब में भी, BJP ज़्यादा और अकाली के साथ मिलकर ज़्यादा सीटें जीतेगी। पंजाब में अकाली दल ने अच्छा काम किया है और जो लहर है मोदी की वो भी उसे जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़, दिल्ली। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी ते कितों वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।